दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई किसान मजदूर महापंचायत में 10,000 से अधिक किसान पहुंचे। किसान अपने निजी वाहनों और बसों में सवार होकर बहादुरगढ़ के रास्ते से टिकरी बॉर्डर से होते हुए दिल्ली पहुंचे हैं। किसानों के दिल्ली जाने की सूचना पर हरियाणा और दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट रही, लेकिन टिकरी बॉर्डर पर ना तो हरियाणा पुलिस और ना दिल्ली पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश की। बहादुरगढ़ से दिल्ली जाने वाले किसान बीकेयू उग्राहा संगठन के रहे। किसान 250 से अधिक वाहनों में सवार होकर दिल्ली पहुंचे हैं। किसानों के ट्रेनों से भी पहुंचने की संभावना थी, लेकिन ज्यादातर किसान अपने निजी वाहनों और बसों में सवार होकर ही पहुंचे। वीरवार को किसानों के दिल्ली कूच करने के दौरान टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल जवान तैनात रहे। किसान बिना किसी रुकावट के दिल्ली की तरफ जाते रहे। बता दें कि पिछली बार बहादुर टिकरी बॉर्डर पर हुए किसान आंदोलन के दौरान भी बीके उग्राहा संगठन के लोगों की संख्या सबसे अधिक थी। इस बार भी उग्राहा संगठन के लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई किसान मजदूर महापंचायत में अच्छी खासी संख्या में पहुंचे। किसान मजदूर महापंचायत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, बिजली बिल संशोधन की वापसी, लेबर कोड रद्द किए जाने और किसानों पर लगे मुकदमे खारिज करवाने, मनरेगा में काम 200 दिन मिले और 600 रुपए दिहाड़ी आदि मुद्दों पर की जाएगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई किसान मजदूर महापंचायत में 10,000 से अधिक किसान पहुंचे। किसान अपने निजी वाहनों और बसों में सवार होकर बहादुरगढ़ के रास्ते से टिकरी बॉर्डर से होते हुए दिल्ली पहुंचे हैं। किसानों के दिल्ली जाने की सूचना पर हरियाणा और दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट रही, लेकिन टिकरी बॉर्डर पर ना तो हरियाणा पुलिस और ना दिल्ली पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश की। बहादुरगढ़ से दिल्ली जाने वाले किसान बीकेयू उग्राहा संगठन के रहे। किसान 250 से अधिक वाहनों में सवार होकर दिल्ली पहुंचे हैं। किसानों के ट्रेनों से भी पहुंचने की संभावना थी, लेकिन ज्यादातर किसान अपने निजी वाहनों और बसों में सवार होकर ही पहुंचे। वीरवार को किसानों के दिल्ली कूच करने के दौरान टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल जवान तैनात रहे। किसान बिना किसी रुकावट के दिल्ली की तरफ जाते रहे। बता दें कि पिछली बार बहादुर टिकरी बॉर्डर पर हुए किसान आंदोलन के दौरान भी बीके उग्राहा संगठन के लोगों की संख्या सबसे अधिक थी। इस बार भी उग्राहा संगठन के लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई किसान मजदूर महापंचायत में अच्छी खासी संख्या में पहुंचे। किसान मजदूर महापंचायत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, बिजली बिल संशोधन की वापसी, लेबर कोड रद्द किए जाने और किसानों पर लगे मुकदमे खारिज करवाने, मनरेगा में काम 200 दिन मिले और 600 रुपए दिहाड़ी आदि मुद्दों पर की जाएगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई किसान मजदूर महापंचायत में 10,000 से अधिक किसान पहुंचे। किसान अपने निजी वाहनों और बसों में सवार होकर बहादुरगढ़ के रास्ते से टिकरी बॉर्डर से होते हुए दिल्ली पहुंचे हैं। किसानों के दिल्ली जाने की सूचना पर हरियाणा और दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट रही, लेकिन टिकरी बॉर्डर पर ना तो हरियाणा पुलिस और ना दिल्ली पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश की। बहादुरगढ़ से दिल्ली जाने वाले किसान बीकेयू उग्राहा संगठन के रहे। किसान 250 से अधिक वाहनों में सवार होकर दिल्ली पहुंचे हैं। किसानों के ट्रेनों से भी पहुंचने की संभावना थी, लेकिन ज्यादातर किसान अपने निजी वाहनों और बसों में सवार होकर ही पहुंचे। वीरवार को किसानों के दिल्ली कूच करने के दौरान टिकरी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल जवान तैनात रहे। किसान बिना किसी रुकावट के दिल्ली की तरफ जाते रहे। बता दें कि पिछली बार बहादुर टिकरी बॉर्डर पर हुए किसान आंदोलन के दौरान भी बीके उग्राहा संगठन के लोगों की संख्या सबसे अधिक थी। इस बार भी उग्राहा संगठन के लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई किसान मजदूर महापंचायत में अच्छी खासी संख्या में पहुंचे। किसान मजदूर महापंचायत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी, बिजली बिल संशोधन की वापसी, लेबर कोड रद्द किए जाने और किसानों पर लगे मुकदमे खारिज करवाने, मनरेगा में काम 200 दिन मिले और 600 रुपए दिहाड़ी आदि मुद्दों पर की जाएगी।